हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर आएगी और साथ ही स्किन से रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक चम्मच बेसन। इसके बाद इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच टमाटर का रस और एक चम्मच दही इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें और दही ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद इसे अपने क्लीन फेस पर अप्लाई कर लेना है। 25 से 30 मिनट तक इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। बेसन, टमाटर और दही का फेस पैक लगाने से त्वचा पर जमा मैल और कालापन कम होने लगता है। साथ ही इससे कील, मुहासे और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। अगर आप हफ्ते में दो बार भी इस फेस मास्क को लगाते हैं तो आपकी स्किन से दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन निखरी और बेदाग नज़र आती है। स्किन का रूखापन दूर करने के लिए भी बेसन, टमाटर और दही का फेस पैक काफ़ी असरदार है। इसे लगाने से स्किन का ऑयल बैलेंस रहता है, जिसके कारण आपका चेहरा सॉफ्ट और शाइनी नज़र आता है। विटामिन सी से भरपूर बेसन, टमाटर और दही का ये फेस पैक सन टैनिंग को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे चेहरे पर जमा मैल और कालापन कम होता है। ये स्किन से दाग धब्बों और मुहासों को दूर करता है, स्किन को ब्राइट और टाइट करता है। इसके इस्तेमाल से स्किन पर होने वाली सन टैनिंग दूर होती है, पिगमेंटेशन दूर होती है, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगाकर रखने के बाद फेस को वॉश कर लें और लास्ट में अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करें। आप वीक में दो बार इस पैक का यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।